हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके पास कुछ इस तरह का फंड है कि अभी आप उसे 2 या 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सेविंग अकाउंट की बजाय उसे कहीं अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड आपके बारे में आप सोच रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे कि सेविंग फंड के बजाय लिक्विड फंड में ही रखना क्यों बेहतर होगा। आप सभी जानते हैं कि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मैक्सिमम आज की डेट में तो 3.5% है, उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता जो कि सालाना होता है। अब ऐसे में सेविंग फंड भी होना ज़रूरी है। अब सेविंग फंड में पैसा क्यों रखना चाहिए? सेविंग फंड में पैसा इसलिए रखना चाहिए, मान लीजिए आपके जो मंथली खर्चे होते हैं, मंथली खर्चों जितना अमाउंट मेंटेन करके आपको वो पैसा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, जिससे आप अपने मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह के काम आप उससे मेंटेन कर सकते हैं अपने मंथली खर्चों के एक्सपेंसेस। पर उसके बाद का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा होता है, जो आपकी सेविंग है और आप चाहते हो कि मैं ये पैसा ऐसी जगह रखूं कि मुझे उसके अच्छे रिटर्न्स भी मिलें और ये मेरे एक कैश की तरह ही करंट अकाउंट की तरह मुझे ट्रीट हो जाए, इसका मतलब कि जब मेरे को ज़रूरत हो तो पैसा मुझे मिल भी जाए, तो उसके लिए ये होते हैं लिक्विड फंड। उसमें लिक्विड फंड की खास बात ये होती है कि उसमें आप एक दिन से लेकर 91 डेज, इसका मैक्सिमम पीरियड ही 91 डेज है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको निवेश कर देना चाहिए और जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो आप उसमें से विड्रॉल निकाल सकते हैं। अब चूंकि लिक्विड फंड का मतलब भी हुआ कि आप उसे एज ए सेविंग अकाउंट अपने ट्रीट कर सकते हैं, पर सेविंग के मुकाबले इसमें आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, सेविंग में मिल जाता है आपको 3.5, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं मैक्सिमम बहुत से लिक्विड फंड्स में आपको 7.5% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप इस तरह का जो सेविंग का पैसा है, अगर आपके पास कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कैश है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये और ज़्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि इक्विटी में देखिए थोड़ा रिस्क रहता है, पर यहाँ रिस्क नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो लिक्विड फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनी में भी होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें मैं यूँ नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से आपका पैसा बिल्कुल सेव है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा पूरी तरह से आपका इसमें सेव है। देखिए, पैसा तो आज की डेट में आपका बैंक में भी सेव नहीं। अभी हाल में ही जो हादसा हुआ था मुंबई में, कितने लोगों का पैसा डूबा। गवर्नमेंट ने अभी जो नया रूल बनाने जा रही है, कोशिश कर रही है कि पब्लिक को जो अपना पैसा बैंक में ये सोच के रखते हैं कि सुरक्षित हो, तो जो लिमिट थी इंश्योरेंस की वो 1 लाख रुपया थी, अब उसे इंक्रीज करके शायद 10 लाख तक कर देगी। कब करेगी पता नहीं, पर देखिए पैसा तो वहाँ भी सिक्योर नहीं है। तो रिस्क तो है, पर इसमें इतना रिस्क नहीं है। हाँ, सेविंग अकाउंट में एक तरह से आपको वैसे सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है कि हाँ आपका पैसा सेव है, मैक्सिमम अभी 1 लाख तक तो ऑलरेडी ही सेव है। ये तो आप मान के चल सकते हो कि अगर बैंक डूब भी गया तो आपको 1 लाख रुपया मिले, हाँ तो सिक्योरिटी है। उसी तरह लिक्विड फंड में भी जो सरकारी ट्रेजडी बिल्स होते हैं उसमें निवेश करने की वजह से ये पूरी की पूरी तरह रिस्क नहीं रहता। इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की मैक्सिमम से मैक्सिमम गारंटी होती है। अब इसमें लॉकिंग पीरियड की अगर बात करें तो लॉकिंग पीरियड मैंने बताया कि सिर्फ 1 से 91 दिन का है। आप इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। अब निकालने में पैसा रिडीम अगर आप करते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आज आपने उसे रिडीम किया है, तो 1 वर्किंग डे यहाँ ज़रूर लगता है। ये समझ लीजिए कि आपने किसी से चेक लिया और अपने अकाउंट में वो चेक लगाया है, तो जितना टाइम उस चेक को क्लियर होने में लगता है उतना ही टाइम उसे आपके अकाउंट में लिंक जो आपने करा रखा है उसमें आने में लगेगा। तो 1 वर्किंग डे लगता है। अगर उस वर्किंग डे में मान लीजिए कि आज आपने रिडीम किया और कल को कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो उसके नेक्स्ट जो वो पैसा आएगा, यानी कि वर्किंग डे पे ही वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन कोई वर्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो लिक्विड फंड होते हैं, जो डेप्ट फंड भी कहते हैं, डेप्ट का मतलब होता है लोन। अब लोन गवर्नमेंट भी लेती है अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए, उसके अगेंस्ट में वो ट्रेजरी बिल जारी करती है। तो मतलब कि इस तरह कि अगर आप कोई भी लिक्विड फंड ढूंढ रहे हैं तो उसमें जब आप उसका प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें जो होल्डिंग होता है उसमें आप ये चेक करें कि इसमें कितने
तरह का इन्वेस्टमेंट, इन्हें होल्डिंग कितने पेपर हैं, सरकारी सिक्योरिटी में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इतने सरकारी सरकारी इनके पास पेपर होंगे, मतलब ट्रेजरी बिल होंगे, वो उतने ही ज़्यादा सेव और सिक्योर होंगे। प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं पर उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो यहां आपको ऑप्शन मिल जाता है। चुनते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसने भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने ट्रेजरी बिल में वो पैसा लगाया हुआ हो, क्योंकि वो पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरी बात, आप जिस भी कंपनी के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनका जो निवेश होता है, वो जो कैपिटल होता है वो 500 करोड़ से ऊपर हो, किसी इतनी लोअर कंपनी में जो नई नई खुलती हैं कंपनियां उनमें इन्वेस्ट ना करें। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका देख लें कि उसका जो कैपिटल कम से कम 500,000 या 1500 करोड़ रुपए तो कम से कम होना चाहिए, ताकि कल को अगर उसमें से कुछ निवेशक निकल भी जाते हैं तो आपके पैसे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके NAV पे कोई असर नहीं पड़ता। जितनी बड़ी कंपनी का कैपिटल होगा उससे आपको उतना ही सिक्योरिटी मिलेगी। और जब भी आप लिक्विडिटी फंड को सर्च कर रहे होते हैं तो आप उसका पोर्टफोलियो ज़रूर देखें, और उसमें देखें टॉप होल्डिंग कंपनियों में कितनी तरह की कंपनियां हैं, कितनी सरकारी कंपनियां हैं, इन सब की जांच अच्छे से कर लें। लिक्विड फंड में एक अच्छी बात और होती है कि इसमें एक्स्ट्रा एग्जिट लॉट नहीं होता, जैसे कि आपको पता ही होगा म्यूचुअल इक्विटी फंड में जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और एक साल के अंदर अंदर अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको 1% एक्स्ट्रा एग्जिट लॉट देना पड़ता है। इक्विटी फंड में ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता, और अगर कुछ देना भी पड़ता है तो कंपनी कुछ कंपनियां लेती हैं मगर वो इतना नहीं लेती हैं जितना कि 1%, वो 1% से भी कम 0.001% चार्ज करती हैं, पर ये सारी कंपनियां चार्ज नहीं करती हैं, कुछ कुछ कंपनियों में लिखा रहता है। अब इसमें आप इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर बहुत सी कंपनियों की मिनिमम लिमिट है। बहुत सी कंपनियाँ 100 रुपये, 500 या 5000, सबके अपने अपने अलग अलग एरियाज रूल्स होते हैं कि आप मिनिमम इतना तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये 5000 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है और 500 रुपये भी हो सकता है, पर मैक्सिमम की कहीं भी कोई लिमिट नहीं है। अगर इसकी पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 1 से 91 दिन के लिए होता है, तो इसीलिए इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से आपका पैसा सिक्योर रहता है, क्योंकि सरकारी सिक्योरिटी बॉन्ड्स में ये पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। और अगर बात करें तो अभी मैं आपको 2 फंड बताऊंगा जिसमें आप आँख मीच के पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लास्ट कुछ ईयर से इक्विटी फंड्स में आप उनका अगर अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा प्रोग्रेस फुल रहा है, अभी तक वो डाउन नहीं हुआ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 2 फंड हैं, आप चाहें तो उसे जाके चेक भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है एक्सेस लिक्विड क्वांटम लिक्विड फंड, ये दोनों फंड जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप सेविंग की बजाय इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता लगा कि सेविंग में पैसा रखने के बजाय लिक्विड फंड में पैसा रख सकते हैं, पर लिक्विड फंड में किस तरह का पैसा रख सकते हैं, इसमें आप वो पैसा रख सकते हैं कि जो आपको अभी करंट में अभी ज़रूरत नहीं है पर कुछ टाइम बाद ज़रूरत है, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टमेंट भी अगर आप म्यूचुअल फंड भी इक्विटी में रिस्क ज़्यादा नहीं चाहते तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड के थ्रू आप उसे बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं, मगर आप सिक्योरिटी भी चाहते हैं और बैंक से थोड़ा अच्छा सेविंग अकाउंट से अच्छा रिटर्न्स पाना चाहते हैं और सेविंग अकाउंट जैसी फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं, तो आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।